वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आई हूँ नैनीताल के DSB कॉलेज में। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनकी काफ़ी यादें यहाँ से जुड़ी होंगी। तो ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी कई यादें यहाँ से जुड़ी हैं। तो आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है रास्ता जहाँ से कॉलेज एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सराउंडिंग में ये कॉलेज बना हुआ है और काफ़ी पुराना है ये कॉलेज यहाँ। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच कॉलेज की, और अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। तो देखिए, नीचे उतरते ही हमें मिलता है फिज़िक्स डिपार्टमेंट, और ये देखिए टोबैको फ्री कैंपस है, और यहाँ लिखा है वेलकम टू ग्रीन कैंपस। तो ये देखिए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये रास्ता जाता है नीचे। इस रास्ते पे कई लोगों की पुरानी यादें जुड़ी होंगी। देखिए, बने रहिए साथ में। तो यहाँ पे ऑफिसेस हैं बहुत सारे, कि यहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट का कॉलेज है, सॉरी ऑफिस है। और इधर है साइंस डिपार्टमेंट, ये है यहाँ का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मेरे भी प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे यहाँ पे। और ये है कॉलेज का फील्ड। और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये है न्यू आर्ट्स की बिल्डिंग। अभी मैं जा रही हूँ ओल्ड आर्ट्स की तरफ, जहाँ पे क्लासेस होती हैं। और इस साइड है जूलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे कभी मेरी क्लासेस भी हुआ करती थी। देखिए, यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई देगी आपको। और ये है बोर्ड यहाँ पे कि कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ पर हैं। तो ये है जूलॉजी डिपार्टमेंट का बैक साइड। तो हम अभी इस रास्ते से आए थे, और वापस मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और वो नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है बॉटनी डिपार्टमेंट। देखिए, ये देखिए, ये है बॉटनी डिपार्टमेंट। तो आजकल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं कॉलेज में, और अदरवाइज़ भी ये बहुत ही शांत और सुंदर सा कैंपस है। बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और तरह तरह के डिफरेंट स्पीशीज़ हैं यहाँ पेड़ों की। तो ये देखिए, यहाँ से नीचे रास्ता जो जा रहा है, ये भी बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ ही जाता है। और ये देखिए, मेरे लिए भी काफ़ी नॉस्टैल्जिक है ये जगह, क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ा है, और ये डिपार्टमेंट्स कभी हमारे भी हुआ करते थे। और ये बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ ही यहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, देखिए नीचे। हम देख सकते हैं कि कितनी शांत और पेड़ों से घिरी हुई ये जगह है, और वैसा ही खूबसूरत यहाँ का रास्ता है।
तो जो लोग भी देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है, उनकी काफ़ी यादें यहाँ से जुड़ी होंगी। जब ऊपर चढ़ते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के बिल्कुल बगल से, तो ऊपर है कॉमर्स डिपार्टमेंट और लेक्चर थिएटर्स, और साथ साथ में यहाँ का ऑडिटोरियम भी, वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे जब, ये देखिए सामने है बिल्कुल हिमालय संग्रहालय। तो ये म्यूज़ियम है यहाँ पे कॉलेज में, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए पत्तों में आग लगाई जा रही है, क्योंकि आजकल बहुत पत्ते गिर रहे हैं। और ये जो सामने रास्ता जा रहा है, इसके साथ है कॉलेज का ऑडिटोरियम। ये देखिए कितना सुंदर है, देखिए देखिए एक एंट्रेंस यहाँ से भी है कॉलेज की, और इस एंट्रेंस से थोड़ी ही दूरी पे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए सामने ये है कॉलेज का ऑडिटोरियम, देखिए। और काफ़ी सुंदर पेड़ों से घिरा, बहुत शांत यहाँ का एटमॉस्फेयर है। नीचे वापस मैं कॉलेज के मेन गेट पे आ गई हूँ, देखिए। और अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे की ओर, और अभी आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, कितना शानदार व्यू है। तो ये देखिए यहाँ से लेक का कितना सुंदर व्यू दिखाई देता है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं अभी, ये कच्चा रास्ता है जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है शॉर्टकट, और ये रास्ता नीचे उतरता है फ्लैट्स की तरफ। देखिए नैनीताल के सुंदर से व्यू को यहाँ से, और नीचे लेक। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।